नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साई ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके चैनल में। आप जानते हैं कि इस चैनल में प्रतिदिन एक उपाय बताया जाता है। ये उपाय आप कोई भी कर सकता है, यानी आप पर कोई भी दशा है, आप किसी भी राशि के स्वामी हैं, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। जो आज नए हैं वो समझ लें कि आप यह उपाय करने से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। यह उपाय आप सूर्य डूबने से पहले करें तो बहुत अच्छा है, सूर्य डूबने के बाद वाला उपाय यदि होगा तो स्पेशल बताया जाएगा। इसलिए इस उपाय को दिल से कीजिए, क्योंकि यह उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और बहुत लोगों की जिंदगी बदल भी चुकी है। तो आइए जानते हैं आज का उपाय। 22 फरवरी 2020 का उपाय यहाँ बताने वाला हूँ। आज शनिवार बनता है और शनिवार का उपाय यदि हम करते रहें तो विशेष लाभ मिल जाता है, वरना नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। आज का उपाय थोड़ा सा अलग है, ध्यान से सुनिएगा, और यदि आप अधिक लोगों से करवाएंगे तो आपको उसका बहुत लाभ मिलेगा। एक नींबू और चार काली मिर्च, एक नींबू, चार साबुत काली मिर्च और एक लोहे का कील ऐसा जिसको जंगाल ना लगा हो, ये सब चीज़ें लेकर किसी चौराहे में फेंक दें। चौराहा होता है जहाँ पर चार रास्ते आकर मिलते हैं, वहाँ पर जाकर फेंक दें। नहीं जा सकते तो रोड पर फेंक दें, बस इतना ही काम है। और उसके बाद जहाँ से निकले थे वहीं वापस आना ज़रूरी है, ये नहीं है कि वहाँ से आप कहीं और चले जाएं। जहाँ से गए थे ये उपाय करने वहीं वापस आना ज़रूरी है, तो आपको ये उपाय बहुत अधिक शक्ति देगा और आने वाले दिनों में नुकसान से बचाएगा। इस उपाय को अधिक से अधिक लोगों से करवाएं, बहुत लाभ मिलेगा। आज यानी 21 तारीख को शिवरात्रि थी, तो हमने शिवरात्रि का पारे का शिवलिंग भी तैयार किया है। यदि आपने लेना हो तो आप ले सकते हैं, पारे का शिवलिंग हमारे संस्थान से आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे राहु काल की। 9:44 AM to 11:09 AM तक राहु काल रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:12 PM to 12:57 PM, दुष्ट मुहूर्त चार रहेंगे, 6:53, 7:39, 7:39 और 8:24 ये दुष्ट मुहूर्त रहेंगे। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा, यदि आपको कोई समस्या है जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय ज़रूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है,
पता ही नहीं चलता और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान।